बिमला। कहाँ के रहने वाले हैं? सदर के, सब्जी मंडी के। संविदा नौकरी के कहकर लिए थे 4.5 लाख रुपए। नरेंद्र डॉक्टर ने और उसके दामाद ने लिए, मुकेश दामाद। ये कहा था संविदा में नौकरी निकली है और 4.5 लाख रुपए जाएंगे। अब हमने अपना मकान रातों रात बेच के और इसको 4.5 लाख रुपए दे दिए। 16 लाख का मकान, तीन लोगों की 1.5 लाख के हिसाब से। एक दामाद है, दो मेरे लड़के हैं। तो नौकरी मिली? नौकरी मिली, ठेकेदारी पता चला, लड़के गए तो ठेकेदारी है 7,000 रुपए में। और इसने हमसे कहा था 15,000 रुपए तनख्वाह है। कहाँ लगी नौकरी? डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, ठेकेदार के अंडर में। मगर इसने हमें बताया नहीं, हम बार बार कहते रहे इससे बता तो दो ठेकेदारी तो नहीं है। बोले नहीं संविदा है, नहीं तो मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, संविदा नहीं होगी तो। 4.5 लाख ले लिए, अब देने से मना कर रहा है। और उल्टा हमारे खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया उसने। सब उधर रहता चनेटा में, बदिया लाइन में, नरेंद्र डॉक्टर। किसके सारे दिए? मुकेश, इसका दामाद। इसने, हमने नरेंद्र डॉक्टर के दिए हैं वो, क्या और मुकेश है उसका दामाद। मुकेश क्या करता है? डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करता है, सरकारी नौकरी। इसमें 11 में ड्यूटी करता है। नौकरी का झांसा देकर 4.5 लाख ले लिए, मकान बेच के दिए। हाँ, संविदा में। कहाँ दिलवाने को आता हूँ? संविदा में यही कहा था, डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी निकली संविदा में, और वो झूठ बोला। पैसे देने से मना कर रहा है? अब मना कर रहा है पैसे देने से। 420 से पैसे अब कह रहा है मैं पैसे नहीं दूंगा, और हमारे खिलाफ मुकदमा डाल दिया उनने झूठा सच्ची हमारे ऊपर। किस बात का? कि पैसे नहीं दूंगा, पता नहीं। अब हमें पता चला, मुकदमा डाल दिया हमारे ऊपर। सदर के रहने वाले हैं, सदर कैंट, सब्जी मंडी। अमित, सुमित और जितेंद्र, तीनों को ठेके पे लगा दिया। हाँ, तीनों को ठेका पे लगा दिया।